अब साइनस के कारण क्या है, बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं आपको कुछ इन शॉर्ट जो बताऊंगा, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अंदर गांठ है, नाक की हड्डी टेढ़ी होगी वो हो सकता है, एलर्जी से होता है, कभी अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है, मार लगने से होता है, ये सब अलग अलग कारण है जिसमें साइनस का नॉर्मल फंक्शन जो है ये थोड़ा खराब हो जाता है। अभी साइनस जो हम पेशेंट आते हैं तो हम उसको दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक अक्यूट जो है, अक्यूट है मतलब उनको साइनस की तकलीफ सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक है, उन पेशेंट को ज्यादा करके हम दवाई देते हैं और जल्दी से वो ठीक हो जाते हैं। अब कोई पेशेंट है जिनको साइनस की तकलीफ कई महीनों से है, कई सालों से है, और इन पेशेंट को साइनस की तकलीफ के साथ वो जी रहे हैं, वो सोच रहे जैसे मेरी जिंदगी है, जैसे मेरी बीवी तकलीफ देती है वैसे साइनस तकलीफ देती है, मुझे उसके साथ जीना है, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, साइनस की ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और इस टाइम में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ये यूस्टेशियन ट्यूब है, नाक से कान में जाने वाली एक ट्यूब है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। तो ऊपर वाले ने एक बहुत अजीब चीज बनाई है कि आपके नाक से कान में नली जाती है, तो आपको जब सर्दी होती है अगर आप जोर से नाक साफ करेंगे तो ये इन्फेक्शन आपके नाक से कान में जाने के चांस बहुत ज्यादा है और कान में भी तकलीफ होने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपका कान, नाक और गला, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों ऑर्गन एक है, इसलिए ईएनटी सर्जन जो कान, नाक और गले के डॉक्टर है वो एक है। मेरे कॉलेज में मेरे मेरे एक बार टीचर से पूछा था कि आंख और कान के डॉक्टर एक क्यों नहीं है, आंख और गले के डॉक्टर एक क्यों नहीं है, कान, नाक और गले एक क्यों है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये तीनों ऑर्गन इस प्रकार से कनेक्टेड है कि आपको तीनों की जानकारी एक ही इंसान को हम दे सकते हैं जो तीनों ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये आपका साइनस का तकलीफ है। अब साइनस में पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, कॉमनली होता है सर दर्द होता है, सूजन आती है, नाक से पानी आता है, फीवर आता है, आपको स्मेल सेंसेशन आपकी चेंज हो जाती है। और जो लोगों को साइनस की तकलीफ पेशेंट को बहुत सारे सालों से है, उनको लॉस ऑफ नेजल रेजोनेंस, ये लास्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आपकी आवाज जो है वो एकदम नाक से आती है। तो एक आपको मैं उदाहरण दूंगा, एक बहुत ही फेमस गायक है हिमेश रेशमिया, आपने नाम सुना होगा, सुना, उनकी आवाज नाक से है। और एक सीक्रेट भी बताऊंगा, उनको नाक में पॉलिप है। अच्छा। हाँ, और लेकिन उनका ये है, उन्होंने बताया कि मैं पॉलिप निकालूंगा तो मेरी आवाज खुल जाएगी, मेरी काम जाएगा, क्योंकि ये आवाज से लोग मुझे पहचानते हैं जी। तो पॉलिप के कुछ फायदे भी है कोई लोगों के लिए, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। तो ये है। तो अब साइनस के पेशेंट को क्या करना चाहिए, हालांकि ट्रीटमेंट होता है लेकिन आजकल ऐसा है हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, आप एंडोस्कोपी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख रहे हैं, ये सीटी स्कैन है, ये एक पेशेंट का फेस है, ये दोनों जो बड़े दिख रहे हैं ये आपकी दोनों आंखें हैं, काला जो है नाक के अंदर की नॉर्मल हवा है, यहां से सांस आती है और यहां अंदर जाती है, ये आपकी साइनस है। अब यहाँ पे आप दो चीज देख रहे हैं, एक काला है और एक ग्रे है। जो काला है ये साइनस की नॉर्मल हवा है, जो ग्रे है ये साइनस, दोनों साइड पे ये साइनस के अंदर जमी हुई गांठ है। तो इसी के वजह से पेशेंट को साइनस की तकलीफ होती है। अब ट्रीटमेंट है, दवाई तो बहुत सारी होती है, जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारी चीज देते हैं, और उसके बाद में कुछ साइनस की सर्जरी भी होती है। ये फोटो दिख रही है शायद आपको अभी, जी दिख रही है। एक ये फोटो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हाउ टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये आपके सामने जो है फोटो, ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं ये पॉलिप है, जो काफी पेशेंट को बहुत ज्यादा साइनस में सर्दी होने की वजह से होता है। ये आपके नाक की हड्डी है और ये आपकी टर्बिनेट है। तो ये जो सब गांठें होती है या पॉलिप्स जो स्वेलिंग्स होती है, इसको टेक्नोलॉजी, हमारे पास नए नए शेवर्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक्रो डिब्राइडर्स है, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज चेंज कर दी है, बहुत आसान कर दिया हमको।